जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता विश्वकर्मा अग्निवीर डिफेंस यूट्यूब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 24 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में गर्ल्स आर्मी जीडी गर्ल्स की एग्ज़ाम थी, तो उनकी एग्ज़ाम कैसी रही, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि गर्ल्स छूट चुकी है और इनसे जानते हैं इनका पेपर कैसा रहा। आपका नाम पायल धाकड़। आपने कितने क्वेश्चन अटेंड करे? सारे किए। तो कैसे आपके एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा? पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, ठीक था। मतलब जिसने मेहनत की होगी उसका पेन तो अपने आप ही चल रहा होगा। मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? मैथ्स में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे, जैसे ये ट्रेडमेंट वगैरह की एग्ज़ाम होती है ना, औसत वगैरह के, ज़्यादा हाई लेवल के एग्ज़ाम ये नहीं थे, क्वेश्चन बहुत नॉर्मल थे। तो एडवांस से आए थे आपके इसमें? एडवांस से एक दो क्वेश्चन आए थे जो बहुत ही ईजी थे, भुजा वगैरह के, सम बहुभुज वगैरह ऐसे आए थे। और जीडी और आपके उसमें जीके जीएस में कैसे थे? जीके जीएस तो पता नहीं कहाँ से उठाई पूछ लिया, 2017-18 का पूछा था, जो भी करंट का पढ़ा था, 21 का भी नहीं आया, 22 का भी नहीं आया, ना 23 का, 20 का एक क्वेश्चन था अर्जुन पुरस्कार वाला, तो उसमें पता नहीं क्या। अच्छा, मतलब कि करंट से आए थे क्वेश्चन, है ना? करंट से, पुराने करंट के आए थे, इस मतलब 21, 22, इस 23 कुछ भी नहीं आए इसका। ठीक है, और रीजनिंग में? रीजनिंग तो 5 क्वेश्चन आए थे, तो वो तो देखते ही आज क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे। कोडिंग रिकॉर्डिंग से आए थे? कोडिंग रिकॉर्डिंग से आए थे, और एक वो न रहता है ना लुप्त संख्या वाला, उससे भी आए। सीरीज से आए? सीरीज से, हाँ। और साइंस का? साइंस से आए थे, साइंस से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, तो साइंस में तीनों सब्जेक्ट से आए थे, फिजिक्स का कुछ भी नहीं था, फिजिक्स का था ये दर्पण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, दो तीन क्वेश्चन दर्पण से देखने को मिले हैं। अच्छा, और बायोलॉजी के? बायोलॉजी के भी आए थे 3-4, वो भी बहुत अच्छे थे, नॉर्मल थे, इजी थे, ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री से तो नहीं देखा मैंने जी। आपका नाम? शिवानी राठौर। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 48। तो कैसा रहा आपकी? बहुत अच्छा, इजी पेपर था आज तो। इजी था ना? हाँ। तो मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे? मैथ्स बहुत इजी था, बस एक ही थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था, बाकी सारे इजी क्वेश्चन थे। साइंस का? साइंस भी बहुत इजी था, पेपर पूरा इजी था, बाकी कुछ जीके था जो उसमें 2-3 क्वेश्चन नहीं कंफर्म नहीं था कि वो करंट से आए थे जीके में? करंट से आए थे मैम। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी इसमें? हिस्ट्री से क्वेश्चन थे मैम 2 क्वेश्चन, जो हमसे बने नहीं थे। और जीके जीएस में? तो जीके जीएस बहुत इजी, रीजनिंग पूरी इजी थी मैम, चारों सब बच्चों से बन जाते। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। आपका नाम? मेघा जायसवाल। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? 44। तो कैसा रहा आपकी एग्ज़ाम, मतलब कि कैसी थी एग्ज़ाम में पैटर्न, मतलब थोड़ा? मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ही इजी था, बाकी जीके का पुराना एक दो क्वेश्चन थे करंट के, करंट से थे क्वेश्चन 2020 समथिंग, बाकी साइंस भी ठीक ही था। पॉलिटी हिस्ट्री इसमें से आए थे क्वेश्चन? हाँ, एक दो आए थे। और साइंस? साइंस भी ठीक ही था, उसमें बायोलॉजी भी थी, केमिस्ट्री भी थी, फिजिक्स तीनों ही था। अच्छा, फिजिक्स से नॉर्मली क्वेश्चन थे या हाई लेवल के थे? नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री से तो नॉर्मल ही थे, बाकी बायोलॉजी से थोड़े से थे। तो जैसे कि पादप से था या फिर जंतु से था जगह से? एक तो जंतु कोशिका से, जंतु से था, उसमें के गल ये कौन सा ये होता है उसके प्रजनन, आंतरिक प्रजनन से था क्वेश्चन। धन्यवाद। साक्षी टेलर। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट? मैंने सारे टू छोड़े, बाकी सारे अटेम्प्ट करे। तो मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स का लेवल बहुत बहुत अच्छा था, बहुत इजी लेवल थी और बहुत सब कुछ अच्छा था, जीके थोड़ा सा टफ था। तो एडवांस से भी आए थे या? नहीं, एडवांस से नहीं आए थे, बिल्कुल सिंपल मैथ्स से, और सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और स्क्वायर वगैरह आए थे, और एवरेज के 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो जीके जीएस में मतलब कहाँ दिक्कत है? जीके जीएस में थोड़े पुराने क्वेश्चंस पूछ लिए थे, करंट भी डाले थे, लेकिन पुराने 2 जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा टफ थे, बाकी पूरा नॉर्मल था, रीजनिंग बेस्ट थी। तो और साइंस का कैसा था? साइंस का भी बेस्ट था, एकदम बहुत इजी था, इजी था। थैंक यू। ओके, थैंक यू। क्या नाम है? नेहा पवार। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप? 42। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा पेपर, तो बस थोड़ा सा साइंस ही टफ आया था, बाकी तो सब नॉर्मल ही था, जीके भी थोड़ा सा ऐसे ही था, बाकी सब अच्छा था। मैथ्स बहुत अच्छा आया था, रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी। मैथ्स रीजनिंग नॉर्मल था, थोड़ा साइंस, हाँ थोड़ा सा साइंस टफ था, और जीके भी थोड़ा सा ऐसे ही था, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे टफ, बाकी तो सब ठीक था। अच्छा, तो आपको करंट में दिक्कत आई, बाकी? हाँ, करंट अफेयर में थोड़ा सा, क्योंकि 19 का भी पूछा था, 18 का भी पूछा था, तो इस चक्कर में, बस बाकी तो सब ठीक था।
ठीक था। और तो एडवांस में एक्सरसाइज आए थे? हाँ एडवांस में आया था, एडवांस के 4-5 क्वेश्चन थे वो भी बन गया। हाँ तो एडवांस में से कौन से टॉपिक से पूछा गया? चतुर्भुज से थे, बहुभुज से थे और बस यही थे, इससे 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।